दोस्तों मैं हमारे रैबिट्स के लिए चारा लेके आ रहा था। मैंने तीन नेवले देखे यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं काफी दूर था वहाँ से, मैं भाग गया तो इस तरफ चले गए। एक तो काफी बड़ा था, दो उसके बेबी लग रहे थे और मुझे वो लग रहे थे जो हमारे गार्डन के पास थे। तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने उनकी वीडियो भी बनाई थी, मुझे तो वही लग रहे हैं क्योंकि उस दिन भी तीन थे और आज भी वही मुझे तीन दिखे हैं। तो अब नजर नहीं आ रहे, इस तरफ झाड़ियों में मुझे लग रहा है छुप गए हैं, इंटो के अंदर भी चले जाते हैं, इनका पता नहीं चलता। तो मैं इनको काफी दिन से देख रहा हूँ लेकिन मैंने रिकॉर्ड आज करने लगा हूँ तो वो कैमरे में आए नहीं, फौरन से भाग गए हैं। अब हम चलते हैं पेट हाउस में। दोस्तों इनका होल हमारे गार्डन के पास है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सैर करने के लिए आए होंगे तो वहीं वापस चल जाएंगे। मैं अक्सर वहाँ पे देखता रहता हूँ और इनको पकड़ने की कभी हम ट्राई करेंगे, इनको पकड़ के अपने पेट हाउस में लेके आएंगे। पहले तो हम एक नेवला बाय करके लेके आए थे लेकिन अब हम इसको पकड़ेंगे, जरूर तीन है, कोई तो पकड़ा जाएगा ना। तो ये टीटू बैठा हुआ है। टीटू इधर क्या कर रहा है? काम देख रहा है। दोस्तों पहले टीटू मैं जब भी चारा लेने के लिए जाता था वहाँ पे बैठ के वेट करता था लेकिन आज लंटर वगैरह डाल रहे हैं हमारे पड़ोसी तो यहाँ पे आके अब लेटने की कोशिश कर रहा है। पेट हाउस में नहीं जाना, यहाँ पे तो चार पाई पे लेट रहा है, इधर आ पेट हाउस में चले। ये बोतल तूने पी है? चल इसको भी ले चल, चल चले। यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था और गाड़ियाँ वगैरह देख रहा था, उनका काम चेक कर रहा था किस तरह कर रहे हैं। अब हम ऊपर पेट हाउस में चलते हैं, ये हमारे रैबिट्स को चारा देते हैं और थोड़ा सा आज लेट भी हो गए हैं। आज हमने मार्केट जाना है, वहाँ से कलरफुल फिशेज लेके आनी है। टीटू फिशेज लेके आनी है आज हमने, टीटू को मैंने बताया ही नहीं है, जाएगा मेरे साथ? ओ तेरी खैर, ओ ये तो कोई और मूड में लग रहा था, इसको तोड़ना चाह रहा था, पागल हो गया यार टीटू। टीटू की यार समझ नहीं आती, टीटू कुछ भी कर सकता है। ओ तेरी खैर, इसको क्या हो गया, ये कैसे फंसा हुआ है इधर? बाहर आ यार, साइड पे हो ही है, बाहर आ जाओ। मैं तो घबरा गया था, इसका लफल जिसको क्या हुआ है, यहाँ पे फंसा हुआ था, मुझे लग रहा है इस केज में जाना चाह रहा था। चलो आपको भी खोल ही देता हूँ, अब हम आ तो गए हैं, चला जाओ। दोस्तों टीटू ना मेरे से गलत फरमाइश कर रहा है, ये कह रहा है मुझे दीवार पे बिठा दो, मैंने ये लेंटर देखना है किस तरह ये लेंटर डालते हैं। तो मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला क्योंकि काफी डेंजरस होगा इसको दीवार पे बिठाना, तो ये है भी पागल सा बंदा। इधर आ जा, ऊपर ही जाना। क्या कह रहा है? ओए ओए ना पकड़, नीचे चला जा, वहाँ पे बैठ के ना, वहीं जहाँ पे चार पे बैठा हुआ था ना, वहाँ जाके ना तू लेंटर देख कैसे डालते हैं। और हम अपने टैटर को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों जिस टैटर को हमने कल आज़ाद किया ना, तो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आपने इसको आज़ाद नहीं करना था, हम इससे बड़ा लेके आएंगे बहुत जल्द अपने पेट हाउस में। वहाँ से काफी बड़े बड़े टैटर निकलते हैं। क्या हो गया है? अंडा ले आया है? कहाँ से लेके आया? ओए आराम से, अभी गिरने वाला था, यहाँ से इसने पकड़ा हुआ था नीचे से थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारे पेट हाउस के बिल्कुल करीब नहर है, वहाँ से अक्सर बड़े बड़े टर्टर निकलते रहते हैं। तो मैंने एक दो बंदों को कहा हुआ है कि अब टर्टर निकले तो मुझे बताना, तो हम अपने पेट हाउस में बहुत जल्द बड़ा टर्टर लाने वाले हैं, तो हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो फिर हम चलते हैं मार्केट, वहाँ से कलरफुल फिशेज बाय करके लेके आते हैं। दोस्तों हमारा छोटा सा सिटी है, यहाँ पे कलरफुल फिशेज कभी कभी आती हैं, तो अब आई हुई हैं तो मैंने डिसाइड किया कि हम अपने पेट हाउस में कलरफुल फिशेज को लेके आते हैं। हमारे पेट्स के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डबल रोटी है और इनके लिए सरप्राइज़ है, इनको पता नहीं है कि हमें बहुत सारी डबल रोटी मिलने वाली है। सारे के सारे अपने खाने पीने में लगे हुए हैं और कुछ केजीज के अंदर है, सबको बुलाते हैं अभी हम। ये बहुत सारे पेट्स मेरे पीछे आ गए हैं यार, उस मुर्गी को क्या हुआ, वो सही से चल नहीं रही। मैंने डबल रोटी एक मिनट वहाँ पर रख दी है यार, लड़ाई नहीं करनी, आराम से खाओ। इधर आना, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? सब्र तो करो, रुको तो सही यार, पकड़ लिया, चुप चुप इधर बैठो। पाँव तो ठीक है यार, कोई चीज़ चढ़ी होगी इसके पाँव के ऊपर, अभी भी सही से नहीं चल पा रही। और इधर हमारी सिर्फ डक्स लगे हैं डबल रोटी खाने के लिए, हमारे पेट्स को बाकियों को दे ही नहीं रही। मैं अभी देता हूँ यार, ये लो, ये हमारे रैबिट्स के लिए मैंने डाल दिया, वो बड़े शौक से खाते हैं और वो होल से निकले नहीं हैं, इनको यहाँ पर दे देते हैं और यहीं पर खा लेंगे। यहाँ पर हमारे रैबिट्स बहुत कम है ना, होल के अंदर गए हुए हैं और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। ये चेक करें कितने छुपे बैठे हैं। उधर आओ यार, मैंने आपके लिए डबल रोटी दिया केज में, चलो बाहर आ जाओ। दोस्तों अब हम चलते हैं पेट्स मार्केट, वहां से कलरफुल फिशेस बाय करके लाते हैं। आने मेरे साथ, चला जा चले। टीटू इधर खेल रहा था, न्यू कार लेके आया है टीटू, अपने घर चला गया था और ये गाड़ी लेके आया न्यू। क्या बात है, इसके दरवाजे भी खुलते हैं? इसका मुंह भी खुल जाता है और इसको डिगी कहते हैं, मुंह कह रहा है इसको। चला चलें।
दोस्तों हम पेट मार्केट पहुंचे हैं, मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज नजर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है, ये चेक करें, पहले इनके पास एक चीज भी नहीं थी, अब देखिए कितना वीआईपी इन्होंने सेटअप बना लिया है, काफी सारी चीजें लेके आए हैं। और यहाँ पे हमारे जो टर्टल है ना, वैसे इनके पास भी आ चुके हैं, तो कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे हैं जैसे हमारे हैं, वैसे इनके काफी अच्छा सेटअप बना लिया आपने, मेरे लिए हमारे पेट हाउस में भी ऐसा बनवा दें यार। आपके पास पड़ा कोई एक्वेरियम? अब नहीं है भाई, ने काफी अच्छा सेटअप बना लिया, मैंने कहा हमारे पेट हाउस में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन छोटा होना चाहिए, इतना होना चाहिए एक्वेरियम। तो एक दिन मारने फिर हमें है, कितने दिन लगेंगे? हफ्ता तो लगेगा, एक हफ्ता। तो हम फिर फिश ले जाते हैं, हमारे पास बाउल भी है और टब भी है, उसमें रख लेंगे। तो दोस्तों हम फिलहाल इनमें से फिश ले जाते हैं, बाद में एक्वेरियम बनेगा ना तो फिर हम उसमें फिश कन्वर्ट कर देंगे। फाइनली दोस्तों हम फिशेज को अपने पेट हाउस में लेके आ चुके हैं, हम इस टब के अंदर डालते हैं, हमारे पास बाउल भी है लेकिन टब के अंदर सही आसानी से रहेंगी। और भाई कह रहे थे घर वाला पानी नहीं डालना, फिल्टर वाला पानी डालना है, तो मैं नीचे से फिल्टर वाला पानी लेके आता हूँ। ये टीटू पकड़, एक मिनट फिशेज, अभी मैं लेके आ रहा हूँ, गिरा ना दे यार, मैं इधर रख देता हूँ। ये मैं फिल्टर वाला पानी ले तो आया हूँ, लेकिन कम बहुत है, पता नहीं फिशेज इसके अंदर रह पाएंगी कि नहीं, डाल के देखते हैं कितना पानी है। पीछे ये तो पानी बहुत कम है, इधर ला टीटू, मैं डालता हूँ, टीटू डाल रहा था। चलो जी, हमारी फिशेज भी बाहर निकलाई, कितनी तेज हो गई यार, भाग कितना रही है, वहाँ पे तो इतना नहीं भाग रही थी। और ये हम फिल्टर वाला और पानी लेके आएंगे ना, तो फिर इसके अंदर और पानी डाल देंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक शार्क मछली ली है, वो कहाँ पे, ये रही, ये काफी बड़ी हो जाएगी टीटू, हाथ नहीं लगाना, मर जाएंगी ये तो। और दोस्तों वहाँ पे बड़े वाले भी थी, लेकिन वो भाई कह रहे थे कि आप अक्वारियम बनवाएंगे ना तो उसके अंदर बड़ी वाली रखना, इसके अंदर अभी फिलहाल आप ये ले जाओ। ओ यार हाथ ना मार। और भी एक दो किस्म की थी, वो भी लाना चाहता था, लेकिन वो कह रहे हैं उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है और कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, मतलब एक्वारियम वगैरह होना चाहिए, तो अभी हमारे पास नहीं है। एक हफ्ते तक भाई ने टाइम दिया है, एक हफ्ते तक बन जाएगा, तो फिर हम बड़े वाली मछली ला के इनके साथ छोड़ देंगे। यार ये व्हाइट वाली मुझे बड़ी प्यारी लगी है। अब मैं इन फिशेज के लिए नीचे से खाना लेके आता हूँ, जो हमारे पहले वाली फिश थी ना उनका खाना बचा हुआ पड़ा हुआ है, मैंने संभाल के रखा था, मैंने कहा दोबारा हम फिशेज लेके आएंगे, इनको खिलाएंगे। अभी मैं वो लेके आता हूँ। टीटू छेड़ना नहीं है यार, मुझे तेरे पे एतबार नहीं है, तू तो फिशेज को बाहर भी निकाल देगा। इधर आ जा, एक मिनट इधर आ जा, मैं खाना लेके आ रहा हूँ। टीटू को मैं साइड पे करके गया था, इसके काम चेक करें, करे क्या रहा है, ओए क्या कर रहा था। ये मैं खाना ले आया हूँ, ये इनको खाना देते हैं हम। भाई कह रहे थे बिल्कुल थोड़ा सा देना, ओए ये खाने भी लगी है, बड़ी भूख लगी है यार इनको। वो भाई ने वैसे खाना नहीं दिया हुआ था, अभी उनका देने का टाइम नहीं हुआ था ना, तो अब हमने इनको दिया है तो फौरन ही खाने लगी हैं। बस ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा खाने से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।